हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वीन कायनात व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और खुश हो, और हमें हमेशा खुशी रहना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं ऑटो से ही ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज मैं और भाभी जा रहे हैं मार्केट। क्यों जा रहे हैं ब्लॉग में रहने से पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आशाम बस्ती, हमारे यहाँ पे नाम है। अगर आप सिलचर के हो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ऑटो वाले भैया कुछ देर रुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग पहुँच चुके हैं तारापुर ओवर ब्रिज। तो यहाँ से निकलकर हम लोग सीधा जाएंगे इंडका पॉइंट पर। और यहाँ पे मैं पता नहीं भाभी से कुछ टॉपिक पर बात कर रही थी, मुझे याद नहीं रहता सच में। तो यहाँ पर हम लोग बातें बातें कर करके जा रहे थे, तो हम लोग पहुँच चुके हैं इंडका पॉइंट पर कि अभी हम लोग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और अभी हम रोड क्रॉस करके उस साइड जाएंगे, क्योंकि हमें फिर से ऑटो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है कहीं और। तो बहुत ज़्यादा धूप था और लगभग 2 बजे निकले थे हम लोग। अभी यहाँ पर ऑटो का वेट कर रहे थे, जब आएगा तो निकल जाएंगे। जैसा कि हमें ऑटो भी मिल गया है, और अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। दोनों बैठ चुके हैं ऑटो पर, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग जा ही रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना है। तो अभी आप लोग गेस कर सकते हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम आए हैं हॉस्पिटल। तो अभी यहाँ पर भाभी को चेकअप कराने के लेके आए। भाभी कुछ दिन पहले बीमार थी, तो अभी उनका रिपोर्ट जो है वो हमें दिखाना है। उसके बाद हमें और भी काम है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि मुझे इस जगह पे बैठना, मतलब डॉक्टर के यहाँ पे आके मुझे बाहर बैठना बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है। मुझे सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे बैठ ही रहती। तो भाभी वापस आ चुकी है, पता नहीं उनको कुछ काम था, और मैं यहाँ पर बैठ बैठ के फिल्म इंजॉय कर रही थी। मैंने एक मूवी लगा के मैं मूवी देख रही थी। तो यहाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं बैठना पड़ेगा, हाँ बस हमें रिपोर्ट दिखा कर डॉक्टर को यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अभी जैसा कि हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, और भाभी जो है उन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया। मेरे बाल, आज मैंने ऑयल लगा हुआ है ना, तो बाल को ऐसे में बांध के चली आई। तो अभी उनका रिपोर्ट जो है उन्होंने दिखा दिया है। तो अभी हम लोग घर जाएंगे, और अगर रास्ते में कुछ खाएंगे उसके बाद घर ही जाएँगे। तो मैं बोटे बोटे बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने छोटा सा फिल्म देख लिया। फिल्म मैंने पूरा नहीं किया, तब तक भाभी का काम ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइजिंग हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं। तो अभी आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं क्या खाते हैं। और हम इंडिया क्लब पॉइंट पे जाके भी कुछ काम है, और अम्मी का कुछ रिपोर्ट वगैरह दिखाना है। तो सब काम ख़त्म करके घर जाएँगे, तो बने रहना इसी हमारे साथ। यहाँ पे हमारा काम हो चुका था कंप्लीट, और अभी हम लोग भाभी ननंद निकल चुके हैं यहाँ से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अभी हम लोगों का काम ख़त्म हो गया, हम लोग हॉस्पिटल से निकल गए हैं। तो सब जगह पकड़ा और रिपोर्ट वगैरह उन्होंने दिखा दिया है। तो हाल ही में भाभी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो इसी डॉक्टर के पास आए थे हम लोग। तो अभी टेस्ट वगैरह दिया था, तो वो कम्प्लीट हो गए, रिपोर्ट दिखाने आए थे। बहुत नॉइजिंग है यहाँ पर। तो अभी हम लोग भाभी ननंद निकले हैं यहाँ से, अभी जाएंगे कुछ खाएंगे। क्या खाएंगे आज? कोलकाता। इसको तो बस पानी पूरी के अलावा कुछ सोचता नहीं है। मैं कुछ और आज खाने के मूड में हूँ, देखती हूँ क्या खाती हूँ। अभी शाम के टाइम भी है, मूड भी हो रहा है खाने का, तो इसको बस पानी पूरी चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के, आप लोग देख सकते हो पीछे, अभी हम लोग गली में ही है, और यहाँ से निकलकर हम लोग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और अभी मुझे याद आया कि अभी इस टाइम अगर हमें कुछ और खाना है, तो हमें पूरा मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा चल के जाने का मूड भी नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है, अगर हम लोग यहाँ से ऑटो ले लेते हैं, तो अभी सीधा डायरेक्ट चले जाएँगे इंडिया क्लब पॉइंट पर, और वहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला तो था नहीं। तो हमने डिसाइड किया है कि यह 5-10 मिनट का रास्ता है, हम लोग बातें बातें कर करके चले जाएँगे, और रास्ते में हमें कुछ खाने का भी मिल जाएगा, जैसा कि हमें मिल चुका है गोलगप्पे वाले भैया। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया है गोलगप्पे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था हम लोगों ने यहाँ का गोलगप्पे, बहुत टेस्टी भी बना था। तो इसका खाने का वीडियो नहीं शूट कर पाई, सॉरी। बहुत इंजॉय किया पानी पूरी हमने यहाँ पे। तभी चलते इंडिया क्लब पॉइंट की तरफ। अभी जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि हम लोग इंडिया क्लब पॉइंट की तरफ चल के जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग पहुंच भी गए हैं। और अभी हमें सामने एक लैब पे जाना है, निर्णय लैब पे। वहाँ पे अम्मी के टेस्ट के बारे में कुछ पता लगाना था कि अम्मी का टेस्ट है, तो हमें यहाँ पर जानना था कि कब कैसे बुलाना है।
तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग जाएंगे इंटा क्लब पॉइंट पर, वहाँ पे जाके हम लोग ऑटो लेंगे और सीधा घर। तो अभी चलते हैं इंटा क्लब पॉइंट की तरफ, यहाँ पर हमारा सब काम खत्म हो चुका है। पर इंडिया क्लब से हमने ऑटो ले लिया है हमारे घर के लिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा भाभी के साथ मजाक भी कर रही थी। तो अभी हम लोग ऑटो पे है और आज का वीडियो यहीं तक है। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा।